उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना था कि अवैध प्रकार से जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इन भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एंटी भूमाफिया ऐप का भी निर्माण करवाया था, परंतु उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में भूमाफियाओं का बोलबाला देखने को मिल रहा है, जहां पर कुछ सफेद पोशाक लोगों की शरण में रहकर या सूत्रों की माने तो उनसे गठबंधन कर सरकारी खाली पड़ी भूमि, काफी समय से खाली पड़े प्लॉट या गरीब तबके के लोगों की जमीनों पर अवैध कागजात दिखाकर उन्हें डरा धमका कर उनकी जमीनों पर अवैध कब्जे का कार्य धड़ल्ले से चलता नजर आ रहा है। अगर विशेष सूत्रों की माने तो भूमाफियाओं की पकड़ न सिर्फ सफेद पोशाक लोगों तक ही सीमित है, उनकी पकड़ पुलिस प्रशासन एवं अन्य प्रशासन के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों से भी है, जिसे अवैध प्रकार से गोपनीय स्तर पर चल रहा यह काला कारोबार बहुत तेजी से पनपता नजर आ रहा है। पूर्व में जमीनी विवाद को लेकर भूमाफियाओं द्वारा लखनऊ के भिन्न भिन्न क्षेत्रों जैसे मड़ियाव, गुड़म्बा, जानकीपुरम, सरोजनी नगर, माल, मलिहाबाद, त्रिवेणी नगर, गोसाईगंज, मानक नगर इत्यादि क्षेत्रों में जमीनी विवाद को लेकर अवैध फायरिंग हो चुकी है, जिनमें से कुछ खबरों को समाचार चैनलों एवं समाचार पत्रों के द्वारा प्राथमिकता देने पर कार्रवाई तो हुई और अपराधी सलाखों के पीछे नजर भी आए, परंतु ऊंचे रुतबे और पहुंच के चलते कुछ समय उपरांत पूर्व की ही भांति अवैध कब्जे के कार्य को तेजी से संचालित करते नजर आते हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर लगातार अपने मातहतों को कड़े निर्देश देते नजर आते हैं एवं इसकी जांच करने के लिए दिन रात थाने और चौकियों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आते हैं, परंतु भू माफियाओं को लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस का भी कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी निकल कर आता है कि ऐसे भूमाफियाओं एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के पास अवैध हथियार कहां से पहुंचते हैं। बीते माह में राजधानी में 24 घंटे के अंदर 5 इलाकों में गोलियों की तड़तड़ाहट से राजधानी दहल उठी थी एवं कई और वारदातें हुई। मड़ियाव थाने अंतर्गत जमीनी विवाद में रात करीब 12 बजे हुई कई राउंड अवैध हवाई फायरिंग, एक दिन पश्चात विभूति खंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ताबड़तोड़ हुई 25 से 30 राउंड फायरिंग में युवक की जान चली गई, परंतु अभी तक नवयुवकों को अवैध असलों के सप्लाई करने वाले गैंगों का भंडाफोड़ नहीं हो पाया है।